Warmly welcome to the physics lecture. As you know, we have already completed the text section, whatever it is there for the topic of gravitation. And all of you know that on 9th our exam will be there. So as a preparation for the exam, as a part of that, today also I will continue with the problem solving. I know that for each problem I have to solve that on the board, so it takes some time. So our target was there to complete 20-30, I was thinking, but it is not feasible. 10-15 problems we can solve. तो आप क्या करो, आप अपने मॉड्यूल में जितना प्रॉब्लम मैंने नहीं सॉल्व किया, आपको होमवर्क को दिया है, वो प्रॉब्लम आपका जिम्मेदारी है, आपको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है अगर कोई क्वेरी है तो. समझ गए बेटा? तो आपका अगर क्वेरी है तो आपको वो प्रॉब्लम उसका ये स्क्रीनशॉट डाल के व्हाट्सएप पे आप मेरे को भेजोगे. और मैंने देखा है थोड़ा सा डाउट सेशन में कोई आता नहीं है. हाँ, कल तो थोड़ा सा, परसों तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो बाद में मैंने थोड़ा सा एक 10-15 मिनट के बाद में डाउट सेशन को बुलाया था. तो मेरे डाउट सेशन को कोई आता नहीं है, तो आई हैव नोटेड दैट. आई एम नॉट एंग्री ऑन यू, बेटर यू सी. ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ डाउट नहीं है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डाउट सेशन. But it is not for me, it's for you people. We are waiting there for 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes for you people without doing any other work. So this is the thing. I'm not angry, but try to be present on doubt session. Okay, without wasting the time, we shall start with our stuff. So aaj hum phir se aapka jo PDF 2 hai, usme se module 1, 2, 3, to PDF. सेकेंड पीडीएफ हमको रेफरेंस करना है, उसमें पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 खोलो जरा. उसमें अभी जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चालू करते हैं. उसमें पहले दो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हैं, है ना. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. उसमें अपना प्रॉब्लम नंबर 1 PDF का कितना नंबर? नंबर 12. तो फटाफट चालू करो. हाँ बेटा, तो क्या है प्रॉब्लम? टू आइडेंटिकल स्पीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट डिस्टेंस एन आर. तो ये दो आइडेंटिकल स्पीयर निकालता हूँ मैं. रेडियस है इनका आर, ये इसका सेंटर है, इसके ही जैसा ये दूसरा स्पीयर बन जाएगा. ओके, तो ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज एन आर, है ना बेटा? क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज एन आर दिया है बेटा. तो उन्होंने पूछा है वेर एन इज इंटीजर ग्रेटर देन 2 एन ग्रेटर देन 2. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी प्रोपोर्शनल टू. सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू. तो अभी उसका ऑप्शन दिया है उन्होंने, ऑप्शन बाद में रीड करते हैं. ऑप्शन दिया है 1/r^2, 1/r^2, 1/r^2. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, तो ये कैसे दोनों आइडेंटिकल है. तो सपोज इसका मास एम डी, इसका भी मास एम डी. सो एफ इज जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर लिख लेते हैं हम एफ इज, एफ क्या बन जाएगा अपना, एफ जी एम एम अपॉन एन आर ब्रैकेट स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा? जी एम एम अपॉन एन स्क्वायर आर स्क्वायर. तो अभी आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा, तो 1/r^2 ये आपका आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए जरा. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 4. ओके, तो अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है 4, आंसर क्या दिया है? 4 दिया. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या करोगे? तो यहाँ पे एक चीज है, आपको मालूम है इफ द स्फीयर्स आर इक्वल, बराबर. ये तो मैंने आंसर निकाल दिया मेरे को. ओके, वो आंसर भी था लेकिन वो एक्चुअल आंसर नहीं है.
बराबर, मतलब क्या है, मतलब उसमें कुछ और भी बात है। तो वो क्या बात है, वो बात हो गई आपकी जो आपका दो स्फीयर, टू स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। सो टू स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल है देयरफॉर दे विल हैव, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम दिया आपके लिए, दे विल हैव सेम मास एंड वॉल्यूम। उनका मास और वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, देयरफॉर रो विल बी कांस्टेंट। रो मतलब क्या, रो विल बी डेंसिटी, रो विल बी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम डेंसिटी, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। सो जहां पे एम है, पहले हम लिखते हैं रो विल बी, रो वन विल बी एम वन अपॉन वी वन, दैट विल बी एम बाय वी, रो टू विल बी ऑल्सो सेम, तो रो वन इज इक्वल टू रो टू। ओके, तो जहां पे सो अभी अगर वो दोनों सेम है, सो कैन आई राइट एम वन इज इक्वल टू रो वन वी वन, दैट इज रो वी, बराबर, एम टू इज इक्वल टू रो टू वी टू, दैट इज ऑल्सो रो वी, बराबर आ गया, समझ गए। तो यहां पे आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4, बराबर, 12th का ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4, तो r रेस टू 4 उन्होंने दिया, तो कैसे आएगा, एकदम सिंपल है। क्या होता है, ये जो रो वी है, रो वी है ये यहां पे हम डालेंगे, यहां डालने के बाद क्या हो जाएगा, g रो स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर r स्क्वायर, ये बन जाएगा g रो स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर r स्क्वायर। तो बेटा अभी क्या बन जाएगा, सो मेरा f बन जाएगा g, रो स्क्वायर को वैसे ही रख देते, v स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर r स्क्वायर। अगर आपने इसको ठीक से लिखा तो रो g रो स्क्वायर 4g² पाई r रेस टू 6 अपॉन इन 3 का लिखेंगे 3n² r रेस टू 2, ये बन गया r। ये बाकी का जो सब है, ये बाकी का जो सब है वो आपका बेटा क्या बन गया, ये आपका बन गया कांस्टेंट। तो अभी क्या लिखेंगे, तो f will be proportional to r raised to 4। तो बेटा क्या है, देखो मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आप तो वो लेक्चर आपने देखा होगा, तो आप बोलोगे सर ने बताया इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो मतलब इट विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हो गया काम हो गया। लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिक केस है, तो स्पेसिफिक केस में अगर उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं तो धांधली में आप जाओगे, इफ यू बी इन हरी यू विल राइट 1/r^2 एंड दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, जो पहले मैंने निकाल के दिखाया आपको, आपको भी लगा रहे हाँ, बाद में हमने देखा क्या वो आंसर नहीं है, मतलब क्या है इसका, क्योंकि ऐसा आपको समझना चाहिए, क्योंकि अपन को अगर वो जेई ने क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए तो उसका कुछ मतलब बनता है ना, ऐसा ही क्वेश्चन दिया तो हर एक बच्चा लिख सकता है ना, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो उसमें और क्या है, तो उसमें और ये भी बात है। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हो गया बेटा, अभी जाते हैं अगले प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम उससे आगे, उससे आगे अभी क्या करेंगे, उससे आगे आप प्रॉब्लम नंबर 17 देखो, ऑन पेज नंबर 40, प्रॉब्लम नंबर 17, ओके फटाफट मैं प्रॉब्लम को रीड कर देता हूँ, बाद में आगे सॉल्व करते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट तो लगता ही है सॉल्व करने, तो उतना तो टाइम लगेगा। और आपके भी कुछ प्रॉब्लम है आप मेरे को सेंड कर सकते हो, तो ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। अभी 17 में क्या दिया है देखते हैं थोड़ा सा, 17 में दिया है इफ मास ऑफ द प्लैनेट इज 10% लेस दैन दैट ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ माइनस 10% ऑफ
mass of Earth. And radius of planet is 20% greater than that of the Earth. Our planet is 20% greater. So R plus 20% of R. Question number 17, PDF 2, page number 40. The weight of 40 kg person on that planet. Weight of 40 kg person on that planet. Yeah, you have to find the planet. Aapko abhi option diya hai 10, 25, 40, 60. Okay? 10, 25, 40, 60. 10, 25, 40, 60. Okay? Kg weight matlab kya hai. To pehle kya karna hai? पहले आपको वेट निकालने के लिए किस चीज का जरूरत है वो आपको देखना पड़ेगा. अभी वेट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ द बॉडी कैसे निकालते हैं? वेट इज एम जी. तो कहां पे होगा? ऑन अर्थ. तो ऑन प्लैनेट क्या हो जाएगा? ऑन प्लैनेट क्या हो जाएगा? वेट क्या आएगा आपका? वेट विल बी इक्वल टू एम जी पी. एम जी पी यहाँ पे अपन को अर्थ दिया ना एम जी, तो इसको क्या बोल सकते हैं? एम पी जी पी. तो इसको क्या बोल सकते हैं? एम पी जी पी प्लैनेट. बराबर ठीक. तो अर्थ पे 40 केजी पर्सन है, मतलब उसका मास कितना है? मतलब इवन मास कितना दिया है? मास दिया है 40 केजी. तो सॉरी एम प्लैनेट एम अर्थ नहीं, सॉरी ये मास ऑफ पर्सन है का खाली जी प्लैनेट और जी अर्थ करेगा. वेरी सॉरी, वो एम उन्होंने दिया है बराबर. एम जी ये हो जाएगा अर्थ और ये हो जाएगा एम जी पी मतलब ऑन प्लैनेट. तो जी का फॉर्मूला क्या है उन्होंने दिया हुआ? तो ये किसके लिए है? अर्थ के लिए. बराबर, ये पूरा अर्थ है. तो अर्थ के लिए हम ई लिया है, तो जी ई इज इक्वल टू जी एम ई आर. और जी पी क्या आएगा? जी पी आएगा जी ई एम पी आर. बराबर. तो अभी हम क्या कर लेते हैं, पहले जी ई और जी पी का रेशो निकालते हैं. क्योंकि मेरे को अगर उसका मास मालूम है, इफ आई नो इट्स मास, तो उसका अर्थ के ऊपर कितना वेट हो जाएगा मेरे को वो समझ जाएगा. बराबर, तो उसका वेट ऑफ अर्थ मिल जाएगा. 40 दिया है तो ये बन जाएगा 40 जी ई, ये इतना वेट बन जाएगा उसका. तो एम जी ई. ओके, तो अभी क्या कहते हैं? जी ई अपॉन जी, जी पी अपॉन जी ई. तो वेट उसका निकाल है प्लैनेट, तो इसको एम से मल्टीप्लाई किया तो एम जी, तो प्लैनेट पे आपको वेट मिला. तो मैं क्या करता हूँ? जी पी अपॉन जी ई इज इक्वल टू जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर. और इसको उल्टा करते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई. बराबर, जी ने जी को काटा. अभी अपन को रिलेशन निकालना है, किसी भी चीज से अगर दूसरी चीज 10% कम हो तो 10% ऑफ एनी. तो यहां पे दिखा था आपको 10% ऑफ एनी, तो ये भी लिखते हैं हम. तो मैंने अभी सजेस्ट कि 1 by 1 इसको ले लो. तो एनपी कितना बन जाएगा? ना, ये पूरा मैं लिखते जा रहा हूँ, मतलब आपको भी नोट्स में इतना इधर सॉल्व करने का जरूरत है, आप फटाफट निकाल सकते हो. लेकिन पढ़ते वक्त ये नोट्स होना जरूरी है, पढ़ते वक्त ये सब सॉल्व करना आपको जरूरी है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ सकता है. ये कैसे किया ये समझ, थोड़ा टाइम लिया तो चल ना. एम पी, एम पी कैसे आएगा? एन ई माइनस 10% ऑफ ए, मतलब क्या? 10/100 ऑफ एन ई.
मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1 ME. सो एम पी कितना हो जाएगा, ME माइनस 0.1 ME, बराबर. यहाँ पे अरे यार इसको ME स्मॉल करना चाहिए, वेरी बैड एम पी, यहाँ पे भी हम एम पी यहाँ पे ME अभी हो गया. तो एक में से 0.1 चला गया तो एम पी कितना बन जाएगा 0.9 ME. तो वैसे ही सिमिलरली आरपी का डायरेक्ट कर सकते हो, 20% में 0.2, 1 में 0.2 ऐड करो, आरपी विल बी 1.2 आर ई. अभी यहाँ से ये वैल्यूज दोनों भी कहा डालेगा इसकी जगह, तो जीपी अपॉन जी अभी आप कर सकते हो, तो जीपी अपॉन जीई क्या है आपका एम पी आई स्क्वायर, एम पी आई स्क्वायर अपॉन एम ई आर पी स्क्वायर. इसको ही लिख देते हैं एम पी बाय एम ई मल्टीप्लाई बाय आर ई बाय आर पी ब्रैकेट्स में, सिंपल क्या उसको बराबर. तो अभी जी पी अपॉन जी ई कितना है आपका एम पी, एम पी कितना दिया है 0.9 एम ई अपॉन एम ई कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय आई, आई कितना दिया है आई तो आई रहेगा आई अपॉन आर पी 1.2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो जी पी अपॉन जी ई 0.9 मल्टीप्लाई बाय आपके आई, आई कैंसिल हो जाएगा 0.9 अपॉन 1.2 का स्क्वायर कितना आएगा 1.44 बराबर. तो इसको हम बोल सकते हैं 9/14.4. ओके तो जी पी कितना मिल जाएगा, जी पी मिल गया जी ई मल्टीप्लाई बाय 9/14.4. तो अभी इसको आप अगर आपने किया तो जी पी का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर एम जी जी पी मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय जी ई इंटू 9/14.4. अगर आपने ये कैलकुलेशन किया तो जी ई का वैल्यू कितना निकालेंगे आप, जी का वैल्यू डालेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड बराबर. और इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो उन्होंने क्या पूछा है, वेट ऑफ द प्लैनेट. ओके तो अभी अभी कितना दिया है उन्होंने, 10 kg, 25 kg, 40 kg, 60 kg. तो 9.8 × 9 डिवाइडेड बाय 40, 9 × 10 करो 90 हो गया, डिवाइडेड बाय हाँ ये मास को उन्होंने दिया है ना, मास ऑफ 40 kg, देन द वेट ऑफ द पर्सन ऑफ 40 kg ऑन दैट प्लैनेट विल, प्लैनेट में कितना होगा. अब ये जी का रेशियो निकाल दो तो ये बन जाएगा 0.9. हाँ 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 वेट नहीं मैंने वो किया है, तो ये रेशियो निकालो, ये 9.10 करो, 10 × 90 एंड डिवाइड 50, 96. सो 240 आएगा एक्चुअली, वो कितना आ रहा है हम देखते हैं, 25 आएगा, मैं देखता हूँ आंसर और आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके वेट फॉर मै, हाँ 25 आ रहा है अपना. तो उन्होंने दिया है तो कुछ बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेट करो, ऑप्शन नंबर 2 आएगा आपका. ओके सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, इसके बाद में आप पूरा करो वो क्वेश्चन, हम जाएंगे अगले क्वेश्चन पे. तो हो गया बेटा, तो इसके बाद में जाते हैं इसके बाद में जो अपना है और एक है, एज्यूम दैट क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है देखते हैं. ओके इसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नो इशू. ओके खाली मेरे को जब टाइम होगा उस टाइम में आपको वो दिखाऊंगा, जैसे अभी मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ, वीडियो शूटिंग चाह रहा हूँ, तो इस टाइम अगर किसका प्रॉब्लम आया तो मैं उसका आंसर नहीं दे सकता, लेकिन बाद में
मेरे को मैं रीड कर सकता हूँ, बाद में आपको आंसर दे दूँगा। ओके एक बार ट्राई तो करो सर से बात करने का, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। तो ठीक है बेटा, अभी क्या है, एज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ओके जी मून इतना दिया है, 0.2 times जी ऑफ अर्थ, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना दिया है, 0.2 times दैट ऑफ द अर्थ दिया है, बराबर। इफ आर ई इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आर ई मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, देखो इस प्रॉब्लम में उन्होंने ग्रेविटेशन के साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन का एक फॉर्मूला डाल दिया, मतलब मैंने जो बताया था आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बाद में आपका क्या बोलते हैं उसको, ये आपका कैपिलरी राइज, ये ऐसे जैसे जो क्वेश्चन है उसमें सब में जी का जहाँ जहाँ यूज आता है वहाँ वहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको डालनी है, बराबर। तो उसका उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं हो जाएगा आपको अगर वो फॉर्मूला मालूम है तो, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कहाँ गया वो प्रॉब्लम बोलते बोलते में अटक गया, हाँ मिल गया प्रॉब्लम, ओके कहाँ गया वो, अभी मिल गया था, ओके मिल गया। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सर्फेस, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑन द सर्फेस ऑफ मून फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू लेना है यू मून विल बी इक्वल टू यू ऑन अर्थ, ओके। और ऑप्शन क्या क्या दिया, 2.2 RE, 2 RE, 0.5 RE एंड 5 RE, ठीक। अपन को पूछा है मैक्सिमम रेंज ऑन मून, तो पहले मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लिखो, तो अपन को मालूम है बेटा मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, तो मैक्सिमम रेंज R is equal to U square upon G, because ऐसे प्रोजेक्ट किया प्रैक्टिकल तो ऐसे फेंका है तो ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, मालूम है ना आपको वो सब, हाँ। तो ये आपको सिंपल फॉर्मूला देना, तो मेरा अर्थ भी कितना है ना, आर ई यू ई यू ई स्क्वायर अपॉन जी एंड आर पी यू बी आर पी आर एम मून पे आर एम विल बी यू एम स्क्वायर अपॉन जी एम, बराबर। तो आर एम अपॉन आर पी रेशो निकालते हैं, आर एम अपॉन आर पी यू एम स्क्वायर अपॉन जी एम, इसको उल्टा करो इंटू जी ई अपॉन यू ई स्क्वायर, लेकिन यू एम और यू ई सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा जी ई अपॉन जी एम। तो आर एम कितना बन जाएगा मेरा, आर पी इंटू जी ई अपॉन जी एम, आर पी कितना है अपना आर पी नहीं सॉरी आर ई सॉरी आर ई इंटू जी ई अपॉन जी एम, बराबर। अभी आर ई इंटू जी ई, जी ई अपॉन जी एम, बराबर। अगर जी एम इज 0.2 GE, बराबर, मतलब 0.2 2/10, तो जी ई अपॉन जी एम विल बी 1/0.2, दैट इज 10/2, दैट विल बी 5, सो आंसर विल बी आर एम विल बी 5 RE, दिस विल बी योर आंसर। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, ओके, एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हो गया बेटा, अभी जाते हैं अगले प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी, अगर आपने लिखा नहीं होगा अभी तक, आप लिख सकते हो उसको, ओके। तो यहाँ मैं अगला प्रॉब्लम लिख देता हूँ, ओके। तो अगला प्रॉब्लम है आपका, ये जो हमने लिया है पेज नंबर, आप पेज नंबर 42 है, प्रॉब्लम नंबर 4, पीडीएफ
का क्वेश्चन नंबर 51 पेज 42 ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 88 किलोमीटर 11.2 3.1 एंड 0। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मीनिंग क्या है ये सब अब आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ मैं, क्योंकि क्या है सब मैंने सॉल्व करके दिया तो आप क्या करोगे, बराबर है ना, उसका भी मीनिंग आपको याद रहना चाहिए, मतलब थोड़ा अपन को भी काम करना चाहिए, बराबर। तो उसमें उन्होंने क्या पूछा, देखो अभी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ही क्वेश्चन है। तो अभी ऑर्बिटल स्पीड VC इसी को बोलते हैं क्रिटिकल और ऑर्बिटल स्पीड, ओके ठीक। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमें निकालना, तो बेटा क्या करना है, अभी पहले टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कितना है आपको मालूम है, अर्थ का जितना है उतना ही जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का रहेगा, 24 आवर, बराबर। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर रहेगा, तो उसका ऑर्बिटल स्पीड कितना रहेगा, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन VC। तो ये बन जाएगा VC अपना बन जाएगा 2πr अपॉन टी, तो यहाँ पे 24 आवर है ना, तो आर को सेकंड में कन्वर्ट करो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा VC, बराबर। तो अगर आपको वो वेलोसिटी मिल जाएगा उससे आप VC का वैल्यू निकाल सकते हो। आई थिंक इसका आंसर है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, आंसर आएगा 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो आप ये कर सकते हो, ये मैंने दिखाया था आपको, ये अर्थ है, इसके लिए आपको डायग्राम भी बना देता हूँ, और यहाँ पे जो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो अर्थ के अराउंड UCN कर रहा है, ये रेडियस हो गया, हाँ इधर आप देख सकते हैं, लेकिन आर क्या लेंगे, नियरली इक्वल टू कैपिटल आर लिया वो भी चलता है, ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए, ओके। दैट वॉज द प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, आई विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। ये बन गया था प्रॉब्लम नंबर 4। अभी प्रॉब्लम नंबर 5 लिख रहे, 4 को ऐसे ही रखता हूँ मैं, मैंने नहीं किया वो कर सकते। अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 में। अभी प्रॉब्लम नंबर 5 आपको देखना है, थोड़ा सा आगे जाओ, मॉड्यूल 2 में जाओ, ओके। मॉड्यूल 2 में पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन और पेज नंबर 44 पहला ही क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ पूछा है, केपलर्स लॉ के ऊपर है, ओके। तो वो क्या करेंगे वो देखते हैं। इफ द अर्थ श्रिंक्स सच दैट डेंसिटी बिकम्स 8 टाइम्स टू प्रेजेंट वैल्यू, रो डैश इज इक्वल टू 8 रो मींस डेंसिटी, देन न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे इन आवर्स, न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे इन आवर्स, ड्यूरेशन टाइम पीरियड टी डैश विल बी क्वेश्चन मार्क। डेंसिटी को श्रिंक किया, हाँ मतलब क्या किया, क्या बोला उन्होंने, डेंसिटी उन्होंने अर्थ को श्रिंक किया सच दैट डेंसिटी बिकम 8 टाइम्स, हाँ इसमें ठीक से देखो बेटा, हाँ एकदम आराम से देखो, आराम से आपको समझ। अभी अर्थ श्रिंक्स, श्रिंकिंग सच दैट डेंसिटी इंक्रीज 8 टाइम्स,
पहले इसको आपको ध्यान में रखना क्या है, इसको ध्यान में रखने के लिए क्या करेंगे, आपका अगर डेंसिटी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी श्रिंक किया है, श्रिंकिंग, तो श्रिंकिंग में नो चेंज इन मास, मास नहीं चेंज होगा, अगर मास नहीं चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। तो अगर इसको 8 टाइम्स बढ़ाना है डेंसिटी को, सो डेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ एम इज कॉन्स्टेंट। तो अगर एम कॉन्स्टेंट है तो मेरा डेंसिटी क्या बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर रो रो डैश इज इक्वल टू 8 रो, देयरफॉर रो डैश अपॉन रो विल बी इक्वल टू वी अपॉन वी डैश, वी अपॉन वी डैश, बराबर। या अगर नहीं किया तो भी चलता है, वो क्यों नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि अपने अपने पास फॉर्मूला है। तो टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला है, टी क्या है, टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन बीसी। लेकिन अपन को मालूम है क्या, टी स्क्वायर वो नहीं किया तो भी चलता है, यहाँ पे वर्क का जो टाइम पीरियड हुआ मालूम है आपको। तो इधर अगर 2πr, हाँ तो अभी वी क्या है, वी है अपना, तो हम क्या करते हैं इसको ठीक ठीक से एक एक पॉइंट पे ले लिया, नहीं तो आपको समझेगा। तो वी क्या है, 4π3πr³ बराबर अपॉन 4π3πr³ लेकिन रो डैश का वैल्यू मालूम है आपको, बट रो डैश अपॉन रो कितना है, 8 आएगा, इज इक्वल टू 8/1 बराबर। सो आर बाय आर डैश कितना है, आर बाय आर डैश आएगा आपका, इसका क्यूब रूट 2/1 आएगा, तो आर डैश कितना आएगा, आर डैश आर डैश आर बाय 2, समझ गए, अभी तो आपको समझ गया होगा। तो अभी कुछ नहीं है, टी टी की जगह में, टी की जगह में आप टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सो टी डैश अपॉन टी ब्रैकेट स्क्वायर विल बी आर डैश अपॉन आर ब्रैकेट क्यूब, बराबर। तो यहाँ पे ये भी नहीं किया तो नहीं चलेगा, इधर डायरेक्टली लिखो आर अपॉन आर डैश ब्रैकेट क्यूब, आर अपॉन आर डैश ब्रैकेट क्यूब इज 8/1, सो आर डैश अपॉन आर ब्रैकेट क्यूब इसका उल्टा हो गया 1/8, सो टी डैश अपॉन टी ब्रैकेट स्क्वायर विल बी 1/8, बराबर। तो अभी टी डैश कितना हो जाएगा, अभी टाइम पीरियड मालूम है आपको अर्थ का, है ना, रिवॉल्यूशन का, तो वो आपने डाला अगर तो आवर्स में, है ना, इसका 24 × 24 × 1 / 8 = 8 = 24 तो टी डैश स्क्वायर कितना मिल गया, अभी इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, टाइम ड्यू ड्यूरेशन ऑफ अ डे 24 आवर्स ना, तो आप देखो इसको करके देखो, ये तो 1/8 हो गया आर क्यूब, 8 टाइम्स देखा आपने, तो ये भी हाँ तो इधर पे आपका बन गया, देखो आपका आंसर कितना था, लेट मी चेक द आंसर, कहीं पे कुछ रहा नहीं है, 3 आ रहा है, बराबर है मेरा। सो 3 मतलब उन्होंने कितना लिखा,
me check the answer. 6 लिखा है. 6 तो नहीं आएगा, इधर तो कैलकुलेशन का मिस्टेक है. उसको श्रिंक कर दिया ना, मतलब मास तो कांस्टेंट रखा, उसका ये क्या निकला, उसका वॉल्यूम निकालने के बाद उसको हाँ वो बी अपॉन बी एच का आएगा. आर अपॉन आर एस करके क्यू बी हो जाएगा ए, बराबर जो है आर अपॉन आर एस ए बन गया, आर एस अपॉन आर बन गया वन बाय ए. हाँ 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 इसका तो वन बाय ए. और ये टी पहले क्या करते हैं, इसका नहीं तो स्क्वायर रूट निकाल तो फोर टू जाए पर टू रूट टू सो 20 24 से ज़्यादा है. सो ये देखिए मैं आपको नहीं बता था इसका क्या क्या है, बाकी तो सब ठीक है, वही है. खाली मॉडल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप देख भी सकते हो, वैसा कुछ ये नहीं है. तो इसका आंसर भी ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपको मालूम होने दोगे, आपने देखा है प्रोसेस. हम जाते हैं अगली प्रॉब्लम के लिए. ओके, तो अभी प्रॉब्लम नंबर 6 में हम जाएंगे अगले प्रॉब्लम के लिए. ये था लैप्लेस प्रॉब्लम, इसके आगे भी होगा. क्या होता है, अकेला ही बात करता हूँ ना, कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन में भी इधर उधर कुछ 8 लिखना है तो 6 लिख देते हो जाता है. सामने बच्चे हैं तो मजा आता है एकदम पूरा. आप बता दो ना 2 मिनट में, अरे सर आपने वो लिख दिया. इधर तो कोई बताने वाला नहीं है, मेरा वीडियो जाएगा नहीं, तो अगर मैं देखूंगा उसमें क्या हो गया तो समझ में आता है. तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स यू में व्हाट्सएप में आप तो करते हो, वैसा मेरा फोटो निकाल के उसको बोल करके ऐसा करके वो दिखाता हूँ. ठीक है, अच्छी बात है. ठीक है, हम आगे जाते हैं. उसमें भी थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम हम लेते हैं. ओके, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये आएगा आपका पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 12. पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 45 ये क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर 6. तो इसमें क्या पूछा है, लेट मी चेक दैट. तो इसमें पूछा है आपको, ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, आराम से ठीक से देखो. 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स each of mass m are arranged at the corners of equilateral triangle of side l. तो अपना पॉपुलर क्वेश्चन मिल गया आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल m भी है ना, m भी है ना, m भी है ना, m भी है. ओके, आई थिंक ये मैंने सॉल्व कर दिया है, मेरे को याद नहीं है, फटाफट सॉल्व कर दिया. इफ दे आर टू बी इक्विलेटरल द स्पीड विद व्हिच दे मस्ट रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन अदर्स ग्रेविटी सर्कुलर ऑर्बिट सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल इज, है ना, ये नहीं किया था अभी क्या करेगा, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल. सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल मतलब क्या, ये जो है अगर मैं सर्कम सर्कल निकाला वैसा है ना बेटा, इन सर्कल यानी सर्कम सर्कल, ये आपको मालूम है ना बेटा. तो ठीक से निकल तो पहले सर्कल निकालूंगा. और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, यही का पॉपुलर क्वेश्चन है. अगर आपने सर्कल निकाला, अभी सर्कल निकालने के लिए निकाल पाऊंगी, इसका मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप सॉल्व करो क्योंकि बहुत टाइम जाता है इधर उधर पर ये पूरा ये करने के लिए, लेकिन हिंट पूरा दे दूंगा. ऐसे अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को निकाला तो ऐसे आएगा, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है इसका सेंटर है, ऑर्थो सेंटर टेकन एज सेंटर, यहाँ पे मास है और उनको इक्विलिब्रियम में जाते हुए मतलब अपनी पोजीशन चेंज ना करते हुए उनको उनका क्या करना होगा, सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा. लेट मी रीड इट अगेन. यस, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मास m आर केप्ट ऑन द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल और अभी उनको सर्कम सर्कल ट्रेस करना है. तो अभी
क्या करेंगे. ओके एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, दे मस्ट रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर ग्रेविटी. ओके, पहले तो सर्कुलर मोशन करना है, बराबर. तो सर्कुलर मोशन के लिए अपन को सर्कम्सक्राइबिंग का मतलब क्या है? सर्कम्सक्राइबिंग करेगा मतलब ये दिखाता, ये पूरा है, ये सिर्फ घूमेगा, दिखाता, ये घूमेगा. विदाउट चेंजिंग पोजिशन, ट्राइंगल वैसे ही रहना चाहिए. मतलब आई डोंट नो मैं कितना अच्छा दिखा सकता हूँ आपको, ये अगर आपका ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल ऐसे ही रहेगा, सेंटर वैसे ही रहेगा, खाली ट्राइंगल घूमेगा, उनके बीच का डिस्टेंस सही घूमेगा, तो ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जाएगा, वो वैसे का वैसा रहेगा. मतलब जो फोर्स है दोनों तीनों का मिल के, F ने मस्ट बी इक्वल टू सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो पहले आपको ये आर निकालना होगा. तो हर एक का आर तो सेम रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वो तो सेम रहता है, और उसका ये दिया है क्या? साइड एल दिया है, बराबर दिया है. तो ये एल दिया है, ये एल दिया है, एल दिया है, तो अभी आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा. पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो आर का वैल्यू निकालने के लिए आपको बता देते हैं क्या. पहले तो आपको एक बात होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन है वो मीडियम क्या करेगा? मीडियम करेगा बाइसेक्ट, और वो परपेंडिकुलर है. तो यदि एल है तो ये बन जाएगा एल बाई, बराबर. और ये इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी, और ये टोटल ए प्लस बी ये पूरा बन जाएगा आपका. तो यहाँ पे ऐसे अगर मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया तो ये बन गया इसका हाइपोटेनस, ये बन गया वन साइड, इसको एक्स बोलता हूँ. तो एक्स स्क्वायर, और ये बात मैं आपको 2:1 रेशो में ये करता है इसको. तो ये मैंने सीखा है, ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं. एक्स स्क्वायर विद बी एल बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल बाई टू का मेरा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय फोर प्लस एल स्क्वायर, मतलब 5L² बाय 4 बन जाएगा. तो एक्स कितना बन जाएगा? रूट 5L/2. अभी रूट 5L/4 2:1 में डिवाइड कर, 2:1 के लिए मैंने कैसे किया? 2x + x इज इक्वल टू रूट 5L/2, यह बन जाएगा 3x इज इक्वल टू रूट 5L/2. x कितना बन जाएगा? रूट 5L/3/6. तो अभी यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं ये बड़ा वाला पार्ट होता है, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2:1 है. तो अपना ये आएगा, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 5L/6 इंटू 2×6, तो ये आएगा रूट 5L/3 आएगा. तो रेडियस मिल गया रूट 5L/3 मिल गया आर. तो एफ एफ कितना आएगा? एफ इज उनका नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स एट द सेंटर, बराबर. ये एफ तो अगर आपने नेट फोर्स निकाला तो आप उसका कर सकते हो. तो आई विल सजेस्ट यू तो ट्राई ऑन योर ओन, इसका ये निकालो, एफ नेट निकालो. एफ नेट क्या होना चाहिए आपका? इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब एट सेंटर, फोर्स एट सेंटर, फोर्स एट सेंटर आपको करना पड़ेगा. तो ये क्या बन जाएगा? एक्चुअली ये बन जाएगा दिस एंड दिस, यहाँ पे मास कंसिडर करो, तो उनके बीच में कितना एटेंशन का फोर्स रहेगा? उनके बीच में, उनके बीच में तीनों भी एक दूसरे को करके कितना करेंगे, ये ट्राई करो और आप निकाल सकते, बराबर. खाली ये एक मिनट का वैल्यू आपका पक्का ठीक आना चाहिए.
एफ नेट का वैल्यू आपका ठीक आना चाहिए, फोर्स एट द सेंटर, क्योंकि फोर्स एट द सेंटर कैसे आएगा उतना भी करने का जरूरत है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ये अगर आपने मास मारा तो ये क्या करेगा, अभी ये मास एट द सेंटर क्या हो जाएगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा एफ से, उतने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, उतने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, बराबर। तो ये अभी 120 बन जाएगा, बराबर। तो ये कितना बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, मतलब ये ऐसे आएगा टोटल फोर्स अगर आपको दिखाना है तो एफ कॉस 60 प्लस एफ कॉस 60 प्लस एफ, ये बन जाएगा आपका एफ नहीं, लेकिन ये ऊपर है ये नीचे है, बराबर। तो हरेक के लिए क्या हो जाएगा, ये एफ कॉस 60 कितना आता है, साइन 60 रूट 3 बाई 2 कॉस 60 1 ओके, और ये माइनस कर देगा क्योंकि ये ऊपर है, बराबर। नेट फोर्स एट सेंटर कितना हो जाएगा, एफ बाई 2 होगा, हाँ मतलब नेट फोर्स, अरे सर नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, उस मास के लिए देखना पड़ेगा, उस हर एक मास के, तो हर एक मास के लिए ऐसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे, तो ये देखने का जरूरत है, ये डायरेक्ट ये हो जाएगा, ये हो, क्यों बताया मैंने खाली को, ये खाली हर एक मास का चाहिए ना, हाँ फिर से बता दें, मास घूम रहा है तो मास के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स उसको लगेगा, तो वो कितना लगेगा वो देखते हैं, बराबर है, ये ऐसे अलाउंड लाइन जाएगा, बराबर। ये है एफ, ये है एफ, ये 60 है मतलब ये बन जाएगा 30, बराबर। तो आपका ये एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट निकल के दिखा दे आपको, ये आएगा एफ कॉस 30 प्लस इसका एफ कॉस 30, एक्चुअली एग्जैक्टली अलाउंड दिस वे, कॉस 30 कितना था, रूट 3 एफ बाई 2 प्लस रूट 3 एफ बाई 2, ये बन गया रूट 3 टू रूट 3 एफ बाई 2, मतलब क्या हो गया रूट 3 एफ हो गया। तो अभी क्या करेंगे, रूट 3 एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल आर वी, एल ये अभी आपको एल कितना लेना है, हाँ एल आएगा, मतलब हम जो काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज होता है, तो एल कितना आएगा आपका, ये आर कितना आएगा, एल की टर्म में रूट 3 बाय रूट 5 एल बाय 3, तो आपको इसको इक्वेट किया उसको वेलोसिटी आपका मिल सके, बराबर। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 एल वी स्क्वायर हुआ वी स्क्वायर अपॉन रूट 5 एल बन जाएगा, तो वी कितना बन जाएगा आप कर सकते हो, उसमें ऑप्शन देखो, चेक द ऑप्शंस एंड टेल मी द आंसर्स, ओके। खाली वो 5 का देखना पड़ेगा, ये वैल्यू खाली चेक करो, बराबर। ये क्योंकि मैं आपको दिखाने के चक्कर में अगर इधर उधर दिखा होगा नहीं, तो आप ये वैल्यू पहले आप कैलकुलेट करो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वो कितना है, तो आपको मालूम है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है ना, उसमें भी आप समझ सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट वगैरह आप जा सकते हैं, है ना, तो एकदम सिंपल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा एल बाई 2 करके भी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा देखो किस तरह हमने हर एक अलग अलग प्रॉब्लम को हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हैं, बराबर ना, अभी प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए जाता हूँ, देखिए आपके पास टाइम कितना है उसके मुताबिक वो हो जाए। प्रॉब्लम नंबर 7 PDF देखते हैं कौन सा लेना है प्रॉब्लम, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करते हैं, बराबर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, नहीं आया तो मेरे को बताओ, ओके। 18 देखो, PDF 18 पेज 45, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ, जी मून इज जी अर्थ अपॉन 6, इन द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ अर्थ एंड मून, ये मैंने दिखाया था वैसे ही, रो ई अपॉन रो एम इज 5/3, देन रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, सो आर मून इज इक्वल टू डैश डैश आर अर्थ, तो जो ये जो फैक्टर है डैश डैश वो कितना है वो क्वेश्चन, बराबर। अभी क्या है, मून का आपको एक्सेसिव ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, इसका आंसर भी बता देता हूँ, लिख के रखता हूँ, 18
वन बोल रहे हैं वो 18 18 18 वो बोले हैं वन। ठीक है, हम देखते हैं क्या करते हैं। ओके, वन मतलब कितना, वेट फॉर वेट, वन मतलब उसका वैल्यू भी देखना चाहिए। 5/18 बोल रहे, वो बोल रहे हैं 5/18, देखते हैं कितना। देखो अभी रो इज मास बराबर, तो स्पीयर के लिए वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा बेटा रो इज इक्वल टू 3m अपॉन 4πr³ बराबर, 3m अपॉन 4πr³ बराबर हो गया। अभी g का वैल्यू कितना है, gm अपॉन, g का वैल्यू कितना है, gm अपॉन r से कुछ नहीं। अभी जहां पे आपका m है उधर m का वैल्यू डालो, m कितना आएगा 4πρ³³ आ गया। इसको इधर लिया, इसको नीचे लिया, तो क्या बन जाएगा g इंटू 4πρ³ बराबर 1 बराबर। तो ये कितना आएगा, g आएगा 4g πρ, अभी ये आर क्यूब यहाँ पे लिखा है ना, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर आर काटेगा तो आर ही बन जाएगा, इतना ही बन जाएगा। तो अभी उन्होंने क्या दिया है वो देखेंगे, उन्होंने दिया है रोगी, तो जी की लिखेंगे जी की, हाँ उन्होंने क्या दिया रोगी है ना, तो क्या पूछा उन्होंने, क्या पूछा उन्होंने, वो मेरे को देखना चाहिए पहले क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ क्या पूछा, हाँ आर एन कौन, तो जी ई कितना आ रहा था, जी ई 4g πρ e आर ई बराबर। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ जी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर, तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं अगर ये इसको प्रोपोर्शनल, क्योंकि 4 कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ GE upon GP is equal to rho P RE upon rho P RP। तो अभी GE upon GP का वैल्यू दिया है, देखते हैं। हाँ GE upon GP दिया है, अरे यार M बराबर। तो अभी क्या हो जाएगा, GE upon GM ये 6 ऊपर में, ये बन जाएगा 6 is equal to रोई अपॉन रोए 5/3 इंटू आर ई अपॉन आर एन, तो आर ई अपॉन आर एन कितना बन जाएगा, आर ई अपॉन आर एन बन जाएगा 18/5, तो आर एन कितना बन जाएगा बेटा 5/18। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी 3-4 प्रॉब्लम अभी हो सकता है, देखते हैं अगर 2-3 प्रॉब्लम और हो गया तो अच्छा हो जाएगा, नोट ऑन। ओके हम आगे जाते हैं, अभी इसको मैं हटा देना, बाद में हटाता हूँ, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। आगे आपका प्रॉब्लम नंबर 8 PDF, क्या करते हैं PDF कौन सा दे दो आपको, क्वेश्चन नंबर 25 पेज 46 सिंपल क्वेश्चन कि V इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम प्लैनेट ऑफ मास M एंड रेडियस R, V तो कितना था 2gm अपॉन सॉरी R प्लस H, हाँ देन द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट हाइट H फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लैनेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे आर है, इसकी जगह आप आर प्लस एच भी डालो,
चाहिए वो क्या कुछ है, उन्होंने क्या पूछा है 25, उन्होंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द एट मैट हाइट एच, ओके हाँ उसमें दिया है वी ई, ओके तो वी के टर्म है तो वी ई वी तो वी डैश है, अभी इसको इसके टर्म है आपको निकालना तो कुछ नहीं है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन उन्होंने दिया है आपको वी इंटू रूट टू आर आर प्लस एच आर आर टू आर प्लस एच, वो देखेंगे अभी क्या करेंगे v डैश अपॉन v करेंगे तो v e डैश अपॉन v करेंगे ना तो क्या हो जाएगा रूट टू जी एम अपॉन आर प्लस एच बराबर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच अपॉन टू एस अपॉन आर टू आर बराबर तो जी एम की आर टू जी तभी क्या बन जाएगा, तभी अपना ये निकल जाएगा तो आपका ऑप्शन क्या रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 मेरा कौन सा आर अपॉन आर प्लस एच आएगा रूट का 25 उन्होंने दिया आर अपॉन टू आर प्लस एच देखते हैं प्लैनेट के लिए ना, प्लैनेट के लिए आपको देखना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी क्या पूछा है एक बार देखते हैं 1 मिनट जस्ट वेट हाँ उन्होंने क्या पूछा है इन द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हाँ यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी नहीं पूछा है अगर एस्केप वेलोसिटी का रेशियो दिया तो आएगा आर अपॉन आर प्लस एच आपको दिया वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हाँ मतलब वो ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया तो वी सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है जी एम अपॉन आर प्लस एच तो वी एस अपॉन हाँ आप ही करेंगे वी एस अपॉन वी दिया था क्या हो जाएगा रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ इसका उल्टा करेंगे आर अपॉन टू जी एम हो गया ये कैंसिल हो जाएगा आर अपॉन एस जाएगा रूट ऑफ आर अपॉन टू आर प्लस एच ठीक है तो अच्छा यहाँ पे हमने प्रॉब्लम नंबर 8 कंप्लीट किया है हम जाते हैं अभी प्रॉब्लम नंबर 9 आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट ओके एकदम सिंपल है ये वी एस मतलब उसका क्रिटिकल वेलोसिटी कितना है और ऊपर वाला उसका एस्केप वेलोसिटी वो उस प्लैनेट का है ओके और ये सैटेलाइट है ओके प्रॉब्लम नंबर 9 के लिए जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 में अभी क्या है प्रॉब्लम नंबर 9 लेते हैं आई हैव टू सी द वॉच ऑल्सो हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग वो भी देखेंगे अ पार्टिकल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिट 26 पेज नंबर कितना आएगा 46 अ प्लैनेट फॉल्स कहाँ भी हाँ पार्टिकल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिट रेडियस है आपको डायग्राम नहीं दिया है आपको निकल दिया है तो ये हाइट बहुत ज़्यादा है ऊपर से बहुत बहुत ऊपर से द वेलोसिटी विथ विच इट रीचेस द अर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस वेलोसिटी विथ विच इट रीचेस द अर्थ सरफेस आपका क्या है आप क्या बोल रहे हैं ये सब प्रोजेक्ट है मैंने सिखाया है आपको बराबर है क्या नहीं है क्या आप बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला है एकदम सिंपल सिंपल है इसमें कुछ करने वाली बात नहीं रेफर
प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें ये दिया है v इज रूट टू जी आर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्या सॉल्व करने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में आंसर आएगा समझ गया बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके अभी जाते हैं अगले प्रॉब्लम के लिए, अगले प्रॉब्लम के लिए आपको प्रॉब्लम नंबर 10 अभी प्रॉब्लम नंबर 10 में कौन सा ले लेंगे वो देखते हैं। उससे पहले आपको मैं होमवर्क क्या है आपको करना है, मॉड्यूल टू में 1, 2, 5 और ए प्लस वन, बाद में मैंने थोड़ा दिया है आपको वो भी 6 to 13 और ये आपको एटलीस्ट पूरा करना है, और बाद में 14 to 18 मतलब सब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं, आई नो दैट, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आपको देखना है आपको आता है या नहीं आता। ओके वो आपको देखना है, और हम क्या करेंगे अभी और कुछ है वो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, तो और एक प्रॉब्लम लेते हैं, लेट मी फाइंड द प्रॉब्लम। ओके तो ठीक है यहाँ पे देखते हैं अभी, एक मैंने प्रॉब्लम ढूंढ लिया था वो देखते हैं, तो ठीक है मैं अभी क्या करता हूँ ये मॉड्यूल से हटके थोड़ा सा आपको क्या क्या चीज़ पे आपको ये करना है उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ। हाँ तो प्रॉब्लम नंबर 10 इसको स्टार्ट करो, ये मेरे इट इज फ्रॉम मी, व्हाट विल बी change in time period of simple pendulum if it is kept in a satellite, दिखा है तो जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है वो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, किन्होंने लेक्चर जो लोगों ने लेक्चर देखा है इसका डायरेक्ट आंसर मैंने दिया है, लेकिन फिर से उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके तो इसमें क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, सो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, और इन सैटेलाइट क्या होता है, इन सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट में जी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स पेंडुलम विल स्टॉप ऑसिलेटिंग। ओके समझ गया, ऐसे वाले प्रॉब्लम आपको बीच बीच में आ सकते हैं, मॉडल में से तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सिखाए हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम का अगर आपको चाहिए तो मैं मेरे बाजू से हिंट दे देता हूँ, उन्होंने जो हिंट दिया है वो अलग है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको आपको हिंट दे सकता हूँ, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भी उतना देख के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात अभी प्रॉब्लम नंबर 11 में आपको मालूम है किसी भी लिफ्ट में अगर वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो किसी भी बॉडी का जो वेट है
मतलब आपको मालूम है ऊपर नीचे, हाँ तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आते समय अगर मैंने इसको कट किया, फ्री फॉल किया, तो एक एक आता है जी प्लस ए और जी माइनस ए, इसमें आएगा जी प्लस ए और नीचे आ रहा है जी माइनस ए, वो आएगा। तो प्रॉब्लम कैसे किया है, प्रॉब्लम ऐसे किया है, लिफ्ट है,
ओके बेटा, इन दिस वे वी हैव ट्राइड टू सॉल्व आई मीन डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन ग्रेजुएशन एज पर योर एग्जाम इज कंसर्न. यू विल बी गिवन विद सम वर्कशीट्स ऑल्सो, बट अभी क्या है आपके पास मॉड्यूल है इसलिए मैं एक्स्ट्रा अलग सा वर्कशीट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, साथ साथ आपको फिजिक्स पढ़ना है. तो ऐसा नहीं करूँगा मैं कि मेरा एक 50 क्वेश्चन दिया, ऐसा कुछ नहीं. आपके मॉड्यूल में जितने हैं वो क्वेश्चन आपने अगर ठीक से सॉल्व किया देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू पीपल टू फेस द एग्जाम. गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द मॉड्यूल. ओके, प्रैक्टिस वेल. इफ यू डू हैव एनी क्वेरी, एनी ट्रबल, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर. ओके, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ द क्वेरी. सो टुमारो अगेन वी विल मीट फॉर द फिजिक्स लेक्चर. टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.